हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी ना सुबह के हो रहे हैं 6:15 और यहाँ पर आज मेरी चाय बन रही है। पता है मैंने ब्लॉग सुबह से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आज मैं पहली बार चाय बना रही हूँ। सुबह मैं सुबह की चाय कभी नहीं बनाती, मुझे ना बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन आज जय ने बोला कि तुमको ही बनानी है, क्योंकि आज मैं पहले उठ गई, वो बाद में उठे, तो बोलता है तुझे ही बनानी है चाय। मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये बोरिंग सा काम कर लेते हैं। मुझे ना बचपन से, मैं आधी से पहले की बात है, तब से लेकर आज तक मुझे अगर किसी ने चाय बनाने की कह दी ना, तो समझो कि मेरा पूरा दिन खराब। मैं फिर ना सब सारे काम करवा लो, मुझसे चाय मत बनवाओ, ये आदत है मेरी। बस चाय यहाँ पे बन चुकी है और अब मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन अभी तक ना मैंने मेरा गर्म पानी नहीं पिया है, रखा है वो। अब ना आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह की चाय पीने के लिए मेरे साथ। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, वाओ व्हाट अ साइन। कल जो मैंने हेयर पैक लगाया ना, उसके बाद तो सच में मेरे बालों की आप लोग स्थिति देख सकते हो क्या है। ऐसे चमक रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कौन सा हेयर कलर कर लिया है। रियली सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने जब फर्स्ट बार ट्राई किया था ना, तब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन अब 3-4 बार जब मैंने उसको ट्राई किया ना, उसके बाद देखिए रिजल्ट, माय गॉड, तो है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग सच में ट्राई करना। और ना मैं उस चैनल का लिंक तो पता नहीं मुझे मिली नहीं, लिंक नहीं दे पा रही मैं, तो मैं ऐसा करूँगी मैं अपनी किसी एक वीडियो की लिंक है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग मेरे उस चैनल पर जाना और कमेंट में भी मैं लिंक दे दूंगी। सच में बहुत, जब मैं उसको, अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना उस चैनल पर, तो आप लोग जरूर देखना, बहुत ही इफेक्टिव है। और अभी पीते हैं चाय, लेकिन उससे पहले ना मैं पीऊंगी अपना ये गर्म पानी, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि दीदी आप पहले से वाकई ही थोड़े से पतले हो गए हो, तो मुझे वाकई अच्छा लगा। क्योंकि कल जब परसों जब मैंने साड़ी पहनी तो मैं मुझे खुद रियलाइज हो रहा था कि यस मैंने थोड़ा सा वेट लॉस किया है, और लग भी रहा है। देखिए मेरा पेट, टमी है ना पहले से कम मुझे लग रहा है। तो चलिए पहले सुबह की अब पीते हैं गर्म पानी, उसके बाद पियेंगे चाय। और दूध मोलू को दे चुकी हूँ, वो उसकी आदत है, वो जब सोता है ना तब उसको दूध चाहिए, और सोते वक्त ना मैं उसको बोतल में दूध देती हूँ, क्योंकि वो सोते वक्त ग्लास में उठ के नहीं पीता है। काफी लोग पूछते भी है ना, तो वो सोते वक्त पीता है ज्यादातर। और अभी पियेंगे गरम गरम गुनगुना सा पानी, गुनगुना है, पी नहीं सकते अभी। और मैंने इसमें लेमन वगैरह नहीं डाला, क्योंकि मेरा गला बैठ जाता है लेमन से, वैसे भी मेरी आवाज इतनी भारी है। तो चलिए चाय पीते हैं। और आज किचन से ही मैंने सुबह 6 बजे की शुरुआत कर दी, मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर अपने पेड़ों के पास। हेलो, तो मैं ना अभी ये जो बीज आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, इनको ना अलसी के बीज कहते हैं, तो ये मैं उगाने के लिए आई हूँ अपने गमले में, क्योंकि मैंने ना पहले उगाए ना तो वो सच में उग गए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये रहे, ये निकल आए। मैंने अभी 2 दिन पहले ही ना इनके बीज मैंने गमले में डाल दिए थे, इनमें इतने बड़े बड़े फ्लावर आते हैं पर्पल कलर के, तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना ट्राई करती हूँ। मैंने जैसे ही डाले ना, तो 2 दिन के अंदर वो जर्मिनेट हो गए, तो मैंने सोचा मैं इनको और डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे फूल लगते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तो है, यहाँ मैंने उगा के रखा है कुछ, यहाँ पे मैंने अरबी उगा के रखी है, इसके लिए उसको नहीं छेड़ूंगी, यहाँ पर उगाते हैं। तो मैं ना आपको दिखा देती हूँ, ये रहे देखो, बस इनको यहाँ पर मुझे डाल देना है। और मैंने ना ये पानी के अंदर है ना सोक करने के लिए रख दिए थे, कि थोड़े फूल जाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी से उग जाएंगे। पहले वाले तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, बट ये वाले ना मैंने थोड़े से पानी में सोक कर लिए। और देखते हैं, मैं आप लोगों के सामने इसको उगा रही हूँ,
अब देखते हैं ये कितने दिनों में जर्मिनेट होते हैं। वो वाले तो 3 दिन में हो गए, अब इन वालों का देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और अभी ना मैं पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्ट है। ये वाली जो मेरी मिट्टी है ना, बस यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। और ये मेरे दूसरे प्लांट की है, अब देखते हैं कि कितने दिन में उगते हैं ये। और पानी अभी नहीं दूंगी, थोड़ी मैं कल रात को दूंगी इसमें। तो देखिए, आपको दिख रहे हैं ये बीज कितने अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, ये रहे है ना। और ये देखिए मेरे पुदीना कितने सुंदर हो गए। थोड़ी सी केयर करो ना, तो हम कहते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। मेरे घर में तो बंदर है ना, अगर बंदर ना हो तो मैं पूरे घर को ग्रीनरी से भर दूं। और ये वाली मेरी जो एक स्टैम्प है ना, ये सूख गई है, बाकी सब के अंदर हो गए जर्मिनेट। तो देखा आप लोगों ने मैंने क्या किया और क्या हुआ। सच में मैंने बीज डाले थे अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले ही डाले थे, और वो जर्मिनेट हो गए और उनके अंदर ना बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कि ना मैं डाल देती हूँ। और आज मैंने दूसरे गमले में डाले, अगर वो भी जर्मिनेट हो गए ना तो मैं एक सेपरेट गमला लेके उसमें उगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना फ्लावर यानी आप लोग जानते हैं मुझे कितना ज्यादा शौक है पेड़ पौधों का। लेकिन हमारे वहां पर बंदर नहीं रहने देते, अगर बंदर रहने दे ना इन चीजों को, तो मैं अपने जो बाहर का मेरा आंगन है ना उसको पूरा एकदम गार्डन बना दूं, मिनी गार्डन जो होता है वो। बट बंदर देखते हैं कि इन पेड़ पौधों को वो कब तक रुकने देते हैं। और अभी गर्मियां हैं ज्यादा, इसलिए वो आते नहीं है। अगर उनके कोई भी अगर बर्ड आ जाए ना किसी में, यानी फ्लावर की जो बर्ड आती है ना कली, अगर वो किसी पेड़ में आ जाए ना तो फिर तो वो उस पेड़ को छोड़ते ही नहीं है। देखते हैं चलो क्या होता है। और अभी पूरे घर में झाड़ू हो चुका साफ सुथरा, मैं लगाने जा रही हूँ पोछा, और पोछा मैं लगाती हूँ हाथ से बैठ कर बकायदा जमीन से। और मैं आज सकती हूँ अपने बाथरूम में, तो देख लीजिए आप लोग भी मेरा बाथरूम है ये। और बस अब इस बाल्टी में मैं लूंगी पानी और लगाऊंगी पोछा। तो चलिए पोछा लगाती फिर मिलती हूँ। तो मैं पोछा लगाने जा रही थी, लेकिन जय ने बोला पोछा मत लगाओ अभी, मेरे साथ ऊपर चलो, क्योंकि आज है ना गेहूँ धोने थे, आटा ख़त्म होने वाला था, फिर अभी मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, कभी बारिश आती है जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़े से गेहूँ धो के डाल देते हैं, जब तक वो आटा ख़त्म होगा तब तक ये 8-10 दिन में या 5-6 दिन में सूख ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है अभी ये टंकी के अंदर, क्योंकि जो एकदम नीचे के गेहूँ एकदम पुराने गेहूँ हैं ख़त्म होने वाले हैं, तो हाथों से निकाल निकाल के हम लोगों ने यहाँ पर निकाले, और इतनी धूल मिट्टी हो रही थी ना। उसके बाद जय नीचे लेकर आए और मैं यहाँ पे गेहूँ धो रही हूँ, तो जय मुझे मना कर रहे थे कि तुम हट जाओ लाओ मैं धो लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम घर के पड़े थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो एक बाल्टी गेहूँ मैं धो लेती हूँ, बाकी के फिर तुम धो देना। तो मैंने बस ये एक बाल्टी गेहूँ जो धो रही थी ना वो मैंने उनको बता दिया कि इस तरह से धोना है, तो फिर उन्होंने धो लिया। और अभी जय गेहूँ धो रहे हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ हमारे लिए ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग है, सुबह चाय पी ली थी, हालाँकि नहीं पीनी चाहिए लेकिन आदत पड़ गई है बहुत बुरी, तो क्या करें। और तो यहाँ पर अभी मैं ग्लूकोज बनाने आई हूँ मेरे लिए और जय के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, भले सुबह का टाइम था लेकिन इतनी गर्मी थी ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और गांव में ना इसी तरह से गेहूँ धो के बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा ना मैं हमेशा इसी तरह से गेहूँ धो के बनाती हूँ। मेरी पुरानी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिनमें मैंने शेयर किया है। तो अभी है ना मैं बस यहाँ पे मेरा ये जो ग्लूकोन डी बन चुका है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर मेरे आरू मोलू को भी मैं देती हूँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर है तो उनको थोड़ा खट्टा लगता है, तो थोड़ी सी मैं इसमें शुगर ऐड कर देती हूँ। शुगर ना हो तो आप हनी भी ऐड कर सकते हो अगर आप हेल्थ की वजह से पी रहे हो। तो ग्लूकोन डी पीने के बाद फिर सीधे मैं आ गई पोछा करने के लिए, और जय इस वक्त धो रहे थे गेहूँ, तो मैंने कहा कि चलो आप वो काम करो तब तक मैं ये काम करती हूँ। बट मैंने वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि अब ये जो मेरी वीडियो है ये गांव के लोग भी देखते हैं, तो थोड़ा सा शर्म लगती है उनको, इसकी वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्यों दिखाओ दूसरों को, मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करते हो, तो मुझे दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने वो क्लिप आई भी थी बट मैंने खुद ही नहीं लगाई, बट मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि गांव के लोग देखते जरूर है बट इतनी ध्यान से सुनते नहीं है। तो फिर बस यहाँ पर मेरा पोछा लग रहा है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लौकी लेकर आए थे सुबह, तो ये लौकी मैंने कट कर ली, धो के साफ करके कट कर ली, और
ये मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि अभी मुझे एक्सरसाइज भी करनी है। तो जब तक मैं एक्सरसाइज करूंगी तब तक कम से कम मेरा ये एक काम तो हो ही जाएगा। फिर एक्सरसाइज करने के बाद आऊंगी और ये करूंगी तो मेरा कम से कम एक घंटा बिगड़ेगा, क्योंकि मैं कम से कम एक घंटा या पौना घंटा तो एक्सरसाइज करती ही हूँ और इतना टाइम तो लगता भी है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को भिगोकर रख दिया था सुबह उठते ही। तो वो चने की दाल और लौकी और तो उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, और इन सारी चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह से यानी बॉईल करने के लिए रख जाऊंगी। और जब तक ये बॉईल होंगी बाकी के, फिर मैं तब तक अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी। हालांकि इसको टाइम नहीं लगेगा बॉईल होने में, दो विशिल में हो जाएगी, लेकिन ये है कि मेरा एक काम है ना वो होकर रख जाएगा तो थोड़ा सा मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगी। और दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जय सुबह ही सुबह दूध लेकर आए थे तो वो भी मैंने रख दिया। और अब मैं जाऊंगी सीधे एक्सरसाइज। तो अभी अभी आई हूँ मैं कसरत करके, देख सकते हैं पसीना तो पूरा काम वाम कर लिया मैंने ना। हाँ एक मिनट अंदर चल के बात करती हूँ। तो गेहूँ अभी सुखाने हैं, बाहर झाड़ू भी लगाना है, और मैं लौकी और जो चने की दाल है ना उसको बॉईल करने के लिए रख गई थी, वो बॉईल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सब्जी छोंक दूंगी, और जब तक ये बॉईल हुई ना मैंने कसरत भी कर ली और उसकी वेसिल भी निकल चुकी है। और मेरी शक्ल कैसी हो रही है, क्योंकि मैं कसरत कर रही थी, अभी पसीना नहीं सूखा। थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया कसरत करने के बाद, और अब मैं ना तब तक ये बाहर धो दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे गेहूँ है ना वो फैला देने हैं, और पूरा गंदा हो रहा है, देखो पूरा गंदा हो रहा है। तो तब तक ये पसीना भी सूख जाएगा, फिर मैं नहा लूँगी और बनाऊँगी खाना। तो चलो ये काम करती हूँ। तो बस फटाफट से मैं पूरे घर में नहीं यानी जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अभी गेहूँ धोए थे तो पूरा धो दिया था, तो दोबारा से नहीं धोऊँगी। और अभी हल्की हल्की धूप आ चुकी है हमारे आंगन में, तो मैं बस यहीं पर गेहूँ सुखा दूँगी। और अभी लगा रही हूँ झाड़ू, तो जो गेहूँ धोए थे ना वो सारे यहाँ नाली के पास इकट्ठे हो गए थे, तो उनको हाथों से ही फेंक दूंगी, क्योंकि वैसे हम इस नाली का कुछ भी यूज़ नहीं करते, बस यहाँ से बारिश का पानी जाता है या अदरवाइज़ हम यहाँ बाहर धोते हैं कुछ भी तो वो पानी जाता है, तो कुछ भी गंदा नहीं होता। इसलिए मैंने हाथों से गेहूँ निकाल दिए सारे, और वो सारे जो गेहूँ नहीं यानी जो गेहूँ का जो ऊपर का कूड़ा था ना वो सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने साइड में कर दी कि गाय वगैरह कुछ खा लेंगी। वैसे तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, गेहूँ तो उसमें होते नहीं है, क्योंकि हम लोग नीम के पत्ते रखते हैं गेहूं में, उसकी वजह से क्या है कि गेहूं ख़राब नहीं होते, साल दो साल तक टंकी में रखे ही रहते हैं। तो वो नीम के पत्ते और जो ऊपर का कूड़ा होता है ना धान वान वो सब चीज़ आ गई थी। और बस अभी जो चद्दर पे गेहूं थे काफ़ी सूख चुके थे, पानी निकल गया था, तो उनको यहाँ मैं अब धूप में डाल दूँगी, क्योंकि 8:30 बजे के करीबन यहाँ पे धूप आ जाती है ना। तो अभी हल्की सी धूप आई है, फिर आधे आंगन में धूप आ जाएगी दोपहर तक, तो फिर पूरे आंगन में इसको हम अच्छे से फैला देंगे जहाँ पे धूप आती है। तो जय थे नहीं इसलिए मैंने गेहूँ का काम किया था, नहीं तो जय ही फैलाते, लेकिन वो गए थे मटका लेने। तो देखिए ये चीज़ आई थी मेरे घर में नई, बस कहते ना छोटी चीज़ आए आपके घर में या बड़ी चीज़ आए, लेकिन जो नई चीज़ होती है ना उसकी खुशी ही अलग होती है। तो बस ये एक छोटी सी नई चीज़ मेरे घर में आई, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते और कैंपर के पानी में अब वो चीज़ नहीं मिल रही थी, वो काफ़ी गर्म हो जाता था पूरे दिन के लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि जे मटका ले आओ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ला नहीं पा रहे थे, बट अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ सामान मिलने लगा है, लॉकडाउन थोड़ा कम हो गया है, तो मटका लेकर आए। फिर उसको हमने अच्छे से सैनिटाइज किया, उसके बाद हमने पानी फिल किया, और यहाँ पे उसकी जो टोटी है ना वो थोड़ी सी लीक हो रही थी, तो मैंने जैसे कहा टोटी लीक हो रही है, तो बोले लीक नहीं हो रही है, वो थोड़ी सी ढीली है, उसको मैं सही कर देता हूँ। तो बस वो भी, एक नल भी बिल्कुल सही हो गया। और सच में मटके के पानी का तो कुछ टेस्ट ही अलग होता है, कुछ मज़ा ही अलग होता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करना मटके का पानी पीना गर्मियों में, आप सच में फ्रिज का पानी भूल जाओगे। और अगर आपको बहुत चिल्ड पानी चाहिए ना, तो जिस कमरे में आपके एसी लगा हो ना आप उस कमरे में मटके को रख देना जस्ट एसी के सामने, फिर देखना आप फ्रिज के पानी को ना कभी टच भी नहीं करोगे, ये मेरा 100% मेरा दावा है, क्योंकि मैं भी एसी वाले रूम में रख देती हूँ ना, तो फिर हम इसका पानी पी भी नहीं पाते, इतना ठंडा हो जाता है। तो बस वही एक नई चीज़ आई थी मेरे घर में, जिसने हमारे घर में हर छोटी सी खुशी ला दी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरे घर में कौन सी नई चीज़ आई है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई, और यहाँ पर मैं लौकी का रायता बना रही हूँ। तो लौकी को मैंने उबाल लिया, बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने दही के अंदर डाल के उसको अच्छे से अब फेंट लिया है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना होता है, थोड़ी सी दरदरी रखनी होती है। तो आज मेरे घर में सब कुछ लौकी का ही बना, लौकी का रायता, लौकी की सब्जी और लौकी की रोटियाँ, तो बहुत हेल्दी वाला खाना था आज मेरे घर में। और यहाँ पर मैंने होममेड भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दूंगी और इसमें तड़का तब लगाऊंगी जब हम लोग खाना वगैरह खाने जाएंगे, अभी नहीं लगाऊंगी। अभी तो मुझे सब्जी भी बनानी है, रोटियाँ भी बनानी है, तो पहले मैं बाकी के काम करूंगी उसके बाद लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं तेज पत्ता और उसके बाद डालूंगी मैं जीरा और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से तड़कने दूंगी। फिर यहाँ पे डालूंगी मैं अदरक की लंबी लंबी स्लाइसेस मैंने काटी हैं वो, और इनको भी थोड़ा सा सॉटे करने के बाद फिर मैं यहाँ पर प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी होती जैसे हम नॉर्मल सब्जी में करते हैं, बस उसी तरह से करनी होती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं यहाँ पर। और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है क्योंकि जीरा पाउडर डालने से ना सारी सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है, मेरे अकॉर्डिंग बढ़ जाता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी पानी और मसाला अच्छा भुन गया, तेल छोड़ दिया मसाले ने। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाले हैं दो टमाटर और इनको भी अच्छी तरह से मैं पका लूँगी एकदम सॉफ्ट होने तक। और तेज पत्ता मैंने निकाल दिया है क्योंकि इनका जो टेस्ट था, जो फ्लेवर था, वो मसाले में आ चुका। तो बस यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से पक चुके, तो जो मैंने लौकी और चने की दाल को बॉयल करके रखा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, हल्का सा बॉयल करना है। उसके बाद आपको इस सब्जी को मसाले में बस मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी नमक और उसके बाद डाल दूंगी गरम मसाला और उसके बाद डालूंगी मैं खूब सारे हरे धनिया। तो बस यहाँ पर सब्जी मेरी बनके रेडी होती है, सिंपल सी और टेस्टी सी और उससे भी कहीं ज़्यादा हेल्दी सब्जी रेडी है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। बस ये है हमारा सिंपल सा लंच, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ लंच कर लीजिए। और एक है लड्डू मीठे के लिए, तो मीठा भी खाना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ना मैं खड़ी हूँ अपने टेरेस वाले जो स्टोर रूम है ना हमारा, वहाँ पर। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि वो भीग गया था, मैं अभी फेस वॉश कर रही थी ना तो पूरा भीग गया था। और बाहर का वातावरण देखिए है ना गांव, तो बाहर अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश का मौसम हो गया, बहुत ही एकदम बादल बादल, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टेरेस पे टहल लिया जाए और आप लोगों को अपनी टेरेस दिखाई जाए, तो बस इसीलिए मैं आ गई। और दोपहर में मैंने चाहा कि मैं ना वीडियो शूट करूँ, लेकिन है ना जैसे ही मैं काम वाम करके लेटने गई तो राजानू आ गए, चलो लूडो खेलो, चलो लूडो खेलो। मैंने रोज़ रोज आप लोगों को मैं लूडो क्या दिखाऊँ। तो बस अभी मौसम अच्छा हो गया तो आई थी थोड़ा सा बाल खोल के हवा लेने के लिए बालों में। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना गाँव दिखाती हूँ कि मेरा गाँव कैसा है। तो देख लीजिए, कोई मुझसे कह रहा था ना दी टेरेस पर चढ़ के आप मुझे अपना गांव दिखाना, तो ये है मेरा गांव और ये मेरे पीछे जो घर है किसी का अभी बन रहा है और पीछे भैंस भी है। मैं देख रही थी फोन में, तुम दिख गई मुझे। और ये मेरी टेरेस, इस पे बंदर कूदते हैं ना तो हमने ये रख दिया है। और बस काफ़ी लोगों के घर बहुत अच्छे अच्छे बने, जैसे कि उनका बना है, उनका बना है, एक वो घर अच्छा बना है, काफ़ी घर अच्छे अच्छे बने। मेरा ये गरीब खाना आप लोग देख लो। आ जाओ मैं ऊपर वाला रूम दिखाती हूँ। देखो ये मेरा गरीब खाना, इसके अंदर ना खाली स्टोर रूम वाली चीज़ें पड़ी रहती हैं और कुछ भी नहीं है। और देखिए मेरे सामने वाले, और ये सब लकड़ी डाल के रखनी पड़ती, नहीं तो बंदर है ना जंप करते हैं और सब तोड़ देते हैं। तो बस यही है। तो मैं छत से नीचे आई ना, उसके बाद फिर मेरी दीदी का फोन आ गया तो मैं उनसे बातें करने लगी। और अभी इस वक्त हो रही है बारिश, अब आपको दिखेगी नहीं, आवाज़ सुनाई देगी, देखना मेरे हाथों पे बूंदे आ रही है, बारिश हो रही है। और बाहर का गेट बंद कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो बाहर का गेट बंद करके आई और बारिश हो रही है मज़ेदार, और घर की पूरी लाइट बंद है, यानी वैसे जैसे रोज चालू रहती है ना उस तरह से नहीं है। और यहाँ पर मेरी बन रही है चाय,
जो कि काफी देर से बॉइल हो रही है ना, अब तो मैं छान लेती हूँ। नहीं जय बोलेंगे, पता नहीं कब की चाय के कहा है, अभी तक आई नहीं है। तो फटाफट से चाय छानती हूँ, और थोड़ी सी मैंने ली है ये नमकीन, टमाटर की भुजिया है, आलू की नहीं है। खिचड़ी माला, एक सेकंड, शांत। कहाँ कौन आ गया? इधर टीका कहाँ कौन आ गया? यहाँ पे बोले भैया, ये झापड़ मार दिया आरू ने, कौन आ गया? खाओगे नमकीन? चलो पापा के पास लेके चल रहे, चलो। तो चाय बन चुकी और जा रही है चाय और नमकीन दोनों अंदर। अभी किचन की लाइट बंद करनी पड़ेगी। और देखो इधर, आप लोगों ने ये दिखाना था, देखो कहाँ बैठे हैं, क्योंकि लाइट आनी रही। अभी एक लाइट चालू है रूम की, दूसरी लाइट बंद है। तो मैं जब तक आपसे बातें करूंगी ना, बस तब तक के लिए चालू करूंगी, क्योंकि बारिश आती है ना तो लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता। तो ये यहाँ के खिड़की से ना सीधी हवा आ रही है, इसके लिए बेचारे नीचे बैठे हैं हवा के लिए। और आरू कर रही है मंदिर में पूजा, और लाइट नहीं आ रही। यहाँ पर इन्वर्टर फिटिंग, अभी कनेक्शन कट गया है उसका, तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है। हाँ मम्मी की है। तो चलिए इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर अब एंड कर देती हूँ, क्योंकि आज सुबह से बताइए बस ये मुझे सोच सोच कर हंसी आ रही थी कि मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत भी चाय से की और उसका एंड भी मैं चाय पर ही कर रही हूँ। आरू आरती गा रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब हम लोग चाय एंजॉय करेंगे, तो पहले आप लोग मेरे साथ चाय और नमकीन एंजॉय करिए, वो करने भी लगा, देखो स्टार्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड इवनिंग, लव यू। आरती इनको दे दो, आप सब भी आरती ले लीजिए। अरे बाबा को दे देना। ओके बाय बाय, लव यू।